नाम सोनू कपाड़िया है। जो बच्चे क्या अभी जिस तरह आप काम करते हैं इसी तरीके से खेतों में काम करते हैं? हाँ जी हाँ जी, सभी लोग हमारे साथ आए हैं। अच्छा, और फिर दो दिन हमारे साथ रहते हैं। मनीष कौन सी क्लास में है आप? फिफ्थ। अच्छा, खेत में जाते हो मम्मी पापा के साथ में? अच्छा, कितनी दफा गए अब तक? बीस में। अच्छा, क्या करते हो वहाँ खेत में? गेहूं काटते हैं। उस दिन स्कूल नहीं आते आप जिस दिन खेत में जाते हो? अच्छा, मम्मी पापा कहे खेत में जाने को आपको? अच्छा, पढ़ाई अच्छी लगती है आपको? मैडम, विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं और बच्चे कम क्यों आ रहे थे और उसके बाद आप लोगों ने क्या करा? आज की तारीख में सर विद्यालय में कुल हमारी जो संख्या है वो 158 है जी, और लगातार हम 15 दिन से देख रहे थे कि बच्चे कम आ रहे हैं। तो जब कम हमारी बच्चों की संख्या रही तो हम सबको चिंता बनी और हमने सोचा कि ना हम ये बीड़ा उठाएं कि हम घर घर जाएं और वास्तविक स्थिति को हम पता कर सकें जी। तो हमारे पास 6 टीचर्स हैं, बारी बारी करके हम लोग गए जी और गांव के सभी घरों में गए जहां से बच्चे नहीं आ रहे थे। तो हमने जाना कि बहुत से बच्चे तो अपने माता पिता के साथ फसल काटने के लिए गए और उनके जो छोटे भाई बहन हैं वो घर देख रहे हैं और अपने छोटे भाई बहनों को संभाल भी रहे हैं। कुछ के घर हम गए तो देखा कि उनकी भैंस बीमार है जी। उन्होंने कहा 2-3 दिन में आ जाएगा बच्चा। कुछ ऐसे भी थे जो हमें देख के छुप गए, नहीं आना चाहते, और उनके माँ बाप देख रहे हैं कि बच्चा नहीं जा रहा है। बिल्कुल जागरूकता पेरेंट्स में नहीं है कि वो अपने बच्चों को भेजें। कुछ को तो यही नहीं पता है कि उनका बच्चा स्कूल गया है या कहाँ घूम रहा है। फिलहाल अगर जिस तरीके से अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में इस टाइम फसल पूरे देश में ही गए, तो क्या मानते हैं कि ऐसी स्थिति पूरे देश में ही होगी कि जहाँ बच्चे अपने खेत पे माँ बाप के साथ में जो अज्ञानता कहें इसे या जागरूकता ना होना कहें? ये सर मैं कहूँगी एक उनकी मजबूरी भी है क्योंकि उनको अपने साल भर का अनाज इकट्ठा करना, गरीब परिवारों के बच्चे हमारे पास आते हैं, वो इनकी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम इनको इतना सख्ती से मना भी नहीं कर सकते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे माँ बाप से? मैं तो माँ बाप से यही अपील करूँगी, ठीक है वो फसल काटने जा रहा है बच्चा, लेकिन ये कर सकते हैं कि कुछ दिन आ जाए, मतलब पूरे 10 दिन तक बच्चा स्कूल से साफ ना रहे, कुछ दिन आए फिर 2 दिन काट ले गेहूँ, उनका भी काम चलता रहे, विद्यालय में भी उसकी उपस्थिति बच्चे की बनी रहे।